सो अगेन हम सेम जगह पे हैं, सेम स्क्रीन पे हैं, सब कुछ सेम ही है, जिस तरह छोड़ा था वैसे ही है। और अब हम जाते हैं कुछ आगे रियल टाइम में कुछ करने के लिए। लेट्स से कि हमारे पास कोई कॉल आ रही है या हमारे पास कोई कस्टमर आ जाता है, उसको चाहिए एक टिकट अबू धाबी से। मैं बताइए रहता हूँ तो मैं मेरी ज़बान से ज़्यादातर अबू धाबी ही निकलेगा। मैं जब बोलूँगा तो अबू धाबी मोस्टली स्लिप होगा मेरी ज़बान से। तो लेट्स से कोई बंदा है, कोई पैसेंजर है, कोई गेस्ट है, वो जाना चाहता है अबू धाबी से इंडिया के किसी एयरपोर्ट में जाना चाहता है। हम कह लेते हैं पहले जो डायरेक्ट एयरलाइंस वगैरह हैं, डायरेक्ट एयरपोर्ट्स वगैरह हैं, उनको देख लेते हैं ताकि जो है वो ईजी रहे। सो बिल्कुल बेसिकली अगर हम स्टार्ट कर लेते हैं, एक कॉल मेरे पास आ जाती है, कोई कॉल करता है हमें और कहता है कि मैंने 10 मार्च को अबू धाबी से दिल्ली जाना है, ठीक है। तो अर्लियर मैंने आपको बताया था कि इन कोड एंड डिकोड यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब जो सबसे बेसिक चीज़ है इंट्री के बाद, जिस तरह आपको मैंने इंट्री का सॉरी लॉगिन की एंट्री के बाद मैंने आपको लॉगिन की एंट्री बताई थी कि हम किस तरह लॉगिन कर सकते हैं। अब हम आगे जाते हैं और कोई अवेलेबिलिटी देते हैं, ठीक है। तो अवेलेबिलिटी लेने के लिए सबसे पहले जो एंट्री है जिससे स्टार्ट होते हैं वो है 1, ठीक है। 1 से हम स्टार्ट करेंगे और उसके आगे जो इनकोड और डिकोड हमने करना है वो करके एक एंट्री बना के इसको एंटर करेंगे। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा हम देखेंगे क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। 1, अब उसके बाद हमने डालना है डेट। हमारे पैसेंजर ने कहा है कि मुझे 10 मार्च को जाना है। 1 ये अवेलेबिलिटी के लिए हो गया, 10 तारीख हो गया। इसके बाद हम MAR लिखेंगे ओनली। MAR का मकसद होता है मार्च, ठीक है। जो भी हमने महीना डालना है उसके पहले 3 लेटर्स हमें डालने हैं ओनली, हमेशा ही जहन में रखें। 1, 10, मार्च, उसके बाद सिटी ऑफ ओरिजिन एंड सिटी ऑफ डेस्टिनेशन। सिटी ऑफ ओरिजिन वो सिटी जहाँ से वो ट्रेवल करना चाहता है, सिटी ऑफ डेस्टिनेशन यानी वो सिटी जहाँ को वो ट्रेवल करना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको अर्लियर समझाया किस तरह हम कर सकते हैं इसको। सिटी कोड इनकोड करना है, हमारे पास सिटी का नाम नहीं है, हम डाले थे यहाँ पे अबू धाबी, तो हमारे पास नाम सॉरी कोड आ गया, नाम के बाद हमारे पास कोड आ गया जो कि है AUH, ठीक है। ये सिटी ऑफ ओरिजिन हो गई, पहले हमने सिटी ऑफ ओरिजिन डालना है। उसके बाद जो सिटी ऑफ डेस्टिनेशन है, जो कि मैंने अर्लियर कहा कि दिल्ली है, लेट्स से दिल्ली है, तो जब हम टाइप करेंगे दिल्ली, हमारे सामने जो है वो दिल्ली का कोड आ जाएगा DEL। टाइम के साथ आप ये कोड जो है इसको याद कर लेंगे और ये फिर आपके लिए बहुत ईजी होगा, बहुत आसान होगा। तो ये कोड हम यहाँ पे डाल देते हैं DEL, ठीक है। अब इसके बाद अगर आपका पैसेंजर वो स्पेसिफाई कर रहा है कि मुझे किसी मखसूस एयरलाइन में जाना है, तो आप उसका कोड डाल सकते हैं, किस तरह डाल सकते हैं वो भी देखते हैं। और अगर वो कह रहा है कि कोई भी एयरलाइन चलेगी, मुझे आप चॉइसेस दे दें, तो आप सिंपल यहाँ पे आके आप एंटर का बटन दबा सकते हैं। एंटर का बटन दबाने के बाद हमारे सामने रिजल्ट आ जाएंगे हमारी एंट्री के। अब रिजल्ट समझने के लिए कंसर्न करना ज़रूरी है कि रिजल्ट जो हमारे सामने आ गया उसको हम समझें, और क्योंकि ये भी सारे सारे कोड्स में है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। रिजल्ट में फर्स्ट है, ये है डेट 10 मार्च, और उसके बाद जो है वो डे है, 10 मार्च कौन सा डे हो रहा है, उसके बाद सिटी ऑफ ओरिजिन है और सिटी ऑफ डेस्टिनेशन है, हमारे सामने सारा कुछ ही, ठीक है। उसके बाद जो फर्स्ट चॉइस हमारे पास आ रहा है वो है 1, 2, 3, ये लाइन नंबर आप देखें, ये चॉइसेस है हमारे पास। नंबर 1 पे है EY। अब EY क्या है, मैंने आपको अर्लियर बताया था कि हम किस तरह इनकोड और डिकोड कर सकते हैं। EY एयरलाइन है, ठीक है। और अब कौन सा एयरलाइन है अगर हमें मालूम करना है, तो हम सिंपल एयरलाइन में जाके यहाँ पे डिकोड करेंगे इसको। अर्लियर मैंने आपको बताया था कि इसको इनकोड किस तरह किया जाता है, अब हम देखते हैं इसको डिकोड किस तरह किया जा सकता है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं EY, तो हमारे सामने रिजल्ट आ गया कि इतिहाद एयरवेज है, ठीक है। ओके,
228 है, ये हो गया फ्लाइट नंबर। फ्लाइट नंबर रूट को दिखाता है कि कौन सा रूट है। ये सेम फ्लाइट यहाँ से जा रही है 228 में, और वापसी में जब वहां से आएगी तो शायद 229 हो, या शायद 227 हो, या शायद कुछ और हो, ठीक है। सो ये रूट को एक्सप्लेन करती है, रूट को दिखाती है कि कौन सी फ्लाइट कौन सी रूट पे जा रही है, ठीक है। उसके बाद जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्लासेस हैं। क्लासेस क्या होते हैं, आरबीडी सिस्टम क्या होता है, इसको आगे चल के हम एक्सप्लेन करेंगे, डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। इसको राइट नाउ स्किप करके आगे बढ़ते हैं। आगे जाके हम देखते हैं AUHDEL, अबू धाबी से दिल्ली। कोड मैंने आपको समझा दिए, कोड किस तरह डिकोड किए जा सकते हैं, कोई भी कंफ्यूजन है आप दोबारा जाओ, इनको डिकोड में आ सकते हैं। अबू धाबी से दिल्ली ये हो गया। आगे है 0255, ये क्या है, हमेशा याद रखिए GDS में 24 आवर्स फॉर्मेट चलता है, ठीक है। सो 255 ये टाइम है, 0255 इसका मकसद यह है कि ये 2:55 पे है, 2:55 AM की फ्लाइट है ये। 7:50 लिखा हुआ है आगे, वो क्या है, 7:50 है वहाँ पे अराइवल टाइम, जो कि सुबह के 7:50 होंगे, ओके। उसके बाद जो हमारे काम की चीज है वो है 321। आपको मैंने इससे पहले ही बताया कि इनकोड और डिकोड में हम क्या क्या कर सकते हैं। 321 क्या है, ये इक्विपमेंट कोड है। हमने सिंपली अगर हमारा पैसेंजर जानना चाहता है तो कॉल आ रही है मेरी, सो आई रिज्यूम। ओके, तो दोबारा रिज्यूम करते हैं, कहाँ था मैं यार, बोल ही गया। ओके, इक्विपमेंट कोड यानी जो हमारे सामने ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है 321 की, ये क्या है, ठीक है। इन कोड डिकोड में हम अगर हम जाते हैं और यहाँ पे हम इक्विपमेंट कोड जो है वो देखते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम तकरीबन ऑलमोस्ट 99.9% जो कस्टमर्स होते हैं वो इस बात पे ख्याल नहीं करते कि कौन से फ्लाइट में हम जा रहे हैं कौन सी नहीं जा रहे हैं, बट कुछ सेंसिटिव कस्टमर होते हैं उनको इस चीज़ का ख्याल रहता है। इक्विपमेंट कोड में जाके हमने यहाँ पे इसको डिकोड करना है और 321 लिख दिया, तो हमारे सामने जो रिजल्ट आ गया वो इक्विपमेंट कोड है, एयरक्राफ्ट टाइप है एयरबस A321, ये एयरक्राफ्ट टाइप हो गया हमारा, ठीक है। तो ये हो गया अवेलेबिलिटी किस तरह दी जा सकती है। अभी देखते हैं दोबारा से कि हम एक स्पेसिफाइड एयरलाइन की अवेलेबिलिटी किस तरह ले सकते हैं, ठीक है, कि हमारे सामने सिर्फ उसी एयरलाइन की अवेलेबिलिटी शो करे, ठीक है। ये हो गया जनरल अवेलेबिलिटी, जिसमें और भी बहुत सारी एयरलाइंस हैं, ठीक है। यहाँ पे 6E है, आप उसको डिकोड कर सके देख सकते हैं कि 6E क्या है, ठीक है। AI है, डिकोड करके देख सकते हैं, IX डिकोड करके देख सकते हैं, GF वगैरह वगैरह। अब हम राइट नाउ जाते हैं किसी मखसूस एयरलाइन को देखने के लिए। इसके लिए हम दो चीज़ यूज़ कर सकते हैं, एक चेंज की है और एक क्रॉस ऑफ टॉलरेंस है। चेंज की ओके, चेंज की सॉरी क्रॉस ऑफ फ्लोरेंस है। इसके बाद हम एयरलाइन का कोड डालेंगे और हमें हमारे सामने जो अवेलेबिलिटी आएगी वो सिर्फ और सिर्फ उसी एयरलाइन की होगी, ठीक है। यहाँ पे हम डाल देते हैं EY और एंटर दबा देते हैं, तो जो हमारे सामने फ्लाइट्स आ गई हैं वो सिर्फ और सिर्फ EY की फ्लाइट्स हैं, कोई दूसरी एयरलाइन की फ्लाइट नहीं है। और इसको अब हम एयरलाइन चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे गल्फ एयरवेज के लिए जिस तरह जो उसका कोड है GF, हम मोड डाल देते हैं और देखते हैं। तो हमारे सामने जो अवेलेबिलिटीज आएंगी वो गल्फ एयरलाइंस की होंगी, ठीक है, स्पेसिफाइड होने की होंगी। और इस तरह हम ओमान एयर कर सकते हैं या कोई भी दूसरी एयरलाइन जो हमारा पैसेंजर चाहता है हम वो देख सकते हैं, ठीक है। हो गया अवेलेबिलिटी किस तरह लेना है, और जो हमारे सामने रिजल्ट आता है उसका मकसद क्या है ये देखना। अगली वीडियोस में हम देखेंगे कि हम एक PNR किस तरह बना सकते हैं, हम PNR का मकसद क्या होता है और उसको इशू किस तरह किया जा सकता है और सब और क्या क्या किया जा सकता है, ठीक है। सो मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, प्रैक्टिस चाहिए थोड़ी बहुत और कंसर्न चाहिए, और सबसे बेस्ट चीज़ ये कि आप में एक पैशन होना चाहिए कि मैं जो देख रहा हूँ इसको मैं समझना है और इसको मैं सीखना है। अगर आप सीख जाते हैं, ये एक स्किल है जो आपके काम आएगी, लाइफ में लाजमी काम आएगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। सी यू नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।